मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सिफारिश की है कि प्री प्राइमरी यानी कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं कक्षा 1 से 8 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 45 मिनट तक के 2 ऑनलाइन सत्रों की सिफारिश की है, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए 30 से 45 मिनट की अवधि के 4 सत्रों की सिफारिश की है। एमएसआरडी की इस सिफारिश पर छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा है कि इस पर विचार विमर्श करके राज्य की ओर से लेटर जारी किया जाएगा। सर, जानना चाहेंगे क्या गाइडलाइन जारी है और किस तरह के विरोध हो रहे थे? एमएचआरडी के द्वारा अलग अलग जो सेक्शंस के बच्चे हैं, मसलन प्री केजी हैं, प्राइमरी है या मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, उन बच्चों के हिसाब से गाइडलाइन जारी किया गया है कि बच्चों को मैक्सिमम कितने समय तक ऑनलाइन क्लासेस देनी चाहिए, और उस गाइडलाइन का हम भी परीक्षण कर रहे हैं। और समय भी निर्धारित किया गया है गाइडलाइन के मुताबिक कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं कक्षा 1 से 5 तक, उनको इतने घंटे है, तो इस तरह के कितने घंटे डिवाइड किया गया? वही कह रहा, उसमें प्री केजी बच्चों को या केजी के बच्चों को या लोअर प्राइमरी पे कहीं 30 मिनट्स है, कहीं 2 कालखंड मैक्सिमम हो सकते हैं, और अपर प्राइमरी में 4 कालखंड लिए जाएं। तो आदेश जारी हुआ है अभी एमएचआरडी का, उसके बाद राज्य सरकार अपना कोई आदेश जारी करे ताकि जो प्राइवेट स्कूल 5-5 घंटे 4-4 घंटे के जो क्लास दे रहे हैं छोटे बच्चों का, जिसका विरोध हो रहा है। CBSE के गाइडलाइन सभी CBSE पढ़ाने वाले स्कूलों पर लागू होंगे ही होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट उस आदेश के तारतम्य में कोई भी उचित निर्देश जिसको जारी करना जरूरी हो वो जारी करेगा। तो अभी आपने सुना लोक संचालक को, जिनका साफ कहना है कि जो जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर प्रयास किया जा रहा है, साथ में ही जो एमएचआरडी ने जो समय निर्धारित किया गया उसमें विचार विमर्श करके राज्य में भी इसका आदेश जारी किया जाएगा कि कितने से कितने समय पढ़ाई की जाए। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराज कुश और राज एक्सप्रेस।